गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास. सो टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास. होप यू हैव फिनिश्ड योर प्रीवियस चैप्टर्स वर्क. ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अ पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ द लिटिल टर्टल. इट इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड दिस पोएम इज़ अबाउट अ लिटिल टर्टल. हैव यू सीन टर्टल? हैव यू ऑल सीन टर्टल? राइट, यू मस्ट हैव सीन इन द टीवी और इन रियल एज वेल, इन सम पॉन्ड और इन द रिवर और इन द सी. सो मोस्टली दे लिव इन रिवर एंड in the sea. So let's start with the poem. There was a little turtle. He lived in a box. He swam in a puddle. He climbed on the rocks. He snapped at the mosquito. He snapped at a flea. He snapped at a minnow. And he snapped at me. He caught the mosquito. He caught the flea. He caught the minnow, but he did not catch me. So this poem is telling about a turtle, where the turtle lives, where is he living, and what he all does, what he turtle does. So there was a little turtle, he lived in a box. So ek turtle tha jo kahan rehta tha, wo box ke andar rehta tha. He used to live in this little box. He swam in a puddle. Wo kisme swam karta tha, kisme swimming karta tha? Puddle mein. What is puddle? Puddle is a small pool of water made mainly by rain water. जब बारिश होती है तो बहुत सारा रेन वाटर इकट्ठा हो जाता है ना, जहाँ जहाँ पे गड्ढा होता है वहाँ वहाँ पे कीचड़ वाला पानी इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी वाला पानी. सो दैट इज पडल. दोज आर कॉल्ड पडल्स एंड एवरी किड लव टू प्ले इन दैट पडल. यू ऑल मस्ट ऑल्सो बी प्लेइंग इन द पडल. जब भी बारिश होती है तो पानी भरता है, उसमें छप छप करने में बहुत मजा आता है. सो दैट इज अ पडल. ही स्वैम इन अ पडल. ही क्लाइंब्ड ऑन द रॉक्स. तो वो क्या करता था, उस पडल में स्वैम करता था. और कहाँ? ही क्लाइंब्ड ऑन द रॉक्स. रॉक्स पे क्लाइंबिंग करता था. ही स्नैप्ड एट अ मॉस्किटो एंड ही यूज टू स्ट्राइक एट दी मॉस्किटो. मतलब एकदम से मॉस्किटो पे स्ट्राइक करता था. ही स्नैप्ड एट अ फ्ली. फ्ली इज ऑल्सो एन इंसेक्ट. सो ही यूज टू कैच मॉस्किटोज एंड फ्ली. ही ऑल्सो कैच्ड मिनो. मिनो इज ऑल्सो अ इंसेक्ट. ऑल राइट, सो सॉरी, मिनो इज अ फिश. इट इज अ फिश. सो ही यूज टू कैच मॉस्किटो. ही यूज टू कैच फ्ली एंड ही यूज टू कैच मिनो. ऑल राइट, स्मॉल फिश इन द पडल्स और इन द पॉन्ड. And he snapped at me. And the poet is saying that he also snapped at me. He tried to catch me as well. He caught the mosquito. He caught the flea. He caught the minnow. But he did not catch me. And he was able to catch the mosquito. He was able to catch the flea. He was able to catch the minnow. But he did not catch me because I ran away from him. So the little poem is about a little turtle. And where does he live? He live in a little box and he swims in a puddle. Puddle mein swam karta hai. And what else he does? He does rock climbing as well. And he eats mosquito, fleas and minnows. That means small fishes he eat. Alright, let's come to the question and answer. A little turtle lived in a box. He swam in a puddle. He climbed on the rocks. He snapped at a mosquito. Where did the turtle live? The turtle lived in a box. Where did he swim? He swam in a puddle. Where did he climb? He climbed on the rocks. Did he catch the poet? No, he did not catch the poet. Why? Because the poet ran away. Write the two letters in the bracket that can be added to the set of the letters on the left to make the new words. ऑलराइट, आपको यहाँ ब्रैकेट में दो ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनको आप सबके साथ मैच करोगे और न्यू वर्ड्स बन जाएंगे. सो GENT, जेंट, टर्ट, लिटिल, एब, PUDD. आई हैव एडेड LE. बाय एडिंग LE आई हैव मेड अ न्यू वर्ड, जेंटल, टर्टल, लिटिल, एबल एंड पडल. एड अ वर्ड टू ईच ऑफ दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. अब यहां पे आपको न्यू वर्ड फॉर्म करना है. हेयर, हेयर में आई हैव एड W, इट इज वेयर. हैट में T, दैट. ऑल में W, वॉल. एबल में T, टेबल. ओन में T, टाउन. ईच में R, रीच. रेन में T, ट्रेन. वन में T, टोन. नाउ लिसन टू दिस.
आई कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर. आई कैन ब्रीथ थ्रू माई स्किन एज वेल एज माई लंग्स. माई बेबीज लुक्स लाइक टाइनी फिश. हु एम आई? आई एम फ्रॉग. फ्रॉग कैन लिव इन लैंड एंड इन वॉटर एंड फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन ऑल्सो. लंग्स से तो ब्रीथ करते हैं ना हम सब. फ्रॉग्स कैन ब्रीथ फ्रॉम देयर स्किन एज वेल एंड देयर बेबीज लुक लाइक टाइनी फिशेज एंड दे आर कॉल्ड फ्रॉग्स.